सागनों सालों आगरतला बॉर्डर बुलचकर लाइट हाउस बेराई नेख्या बारट हापनी हाउसिंग ते मंत्री कुशल किशोर। लाइट हाउस प्रोजेक्ट अगरतला में बनना है, ये सबसे बड़ी बात ये है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका ढांचा पूरा जो है वो स्टील का स्ट्रक्चर है। स्टील का स्ट्रक्चर जो बन रहा है एक नए किस्म का, जितने भी हमारे लाइट हाउस प्रोजेक्ट हैं उस सब में अलग अलग किस्म के अलग अलग के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो जो अरुणाचल प्रदेश का अगरतला में बन रहा है इसका एक अलग ढांचा बनाया जा रहा है, जो भूकंप से प्रभावित नहीं होगा। भूकंप से भी पूरी तरीके से होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और मजबूत स्ट्रक्चर इसका है। हमारे मजदूर भाई यहाँ पर जो इसमें से काम कर रहे हैं ये सब इस बात से खुश है कि ऐसे लोगों को ही जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं उन लोगों को मिलेगा और सरकार इसमें छूट भी देने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देने का काम कर रही है और अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो भी इसमें छूट देने का काम कर रही है। तो मैं केंद्र सरकार में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्र सरकार में जो हमारे आवास रूप से विकास के मंत्री जी का और जो आपके अरुणाचल प्रदेश की सरकार है सरकार का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि सब लोग इस तरह का काम करें। हमारे अधिकारीगण भी इसमें हैं, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के सभी अधिकारियों का, जो लोग भी इसकी जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहे हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। अपने सभी मजदूर भाइयों और बहनों का भी स्वागत करता हूँ। राष्ट्र के निर्माण में एक अच्छी पहल का अदा करने का काम है, सब लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इसका जिक्र प्रधानमंत्री से भी और दिन में हमारे मंत्री हैं इसका जिक्र करने का काम, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो अच्छी तरह से काम हो रहा है समय तक पूरा हो जाए इसका भी जिक्र करने का काम। थोड़ा क्या दौर में आप क्या क्या सफर में अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से अभी मैं जाऊँगा एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वहाँ पर कुछ मीटिंग करनी है, बैठकें करनी है, फिर वहाँ पर विजिट करनी है, तो लौट करके आऊँगा इसके।